हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास, जिसमें आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। और किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे ऐसे सी टेट TGT CHSL CPO या ऑल अदर एग्जाम्स, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए मेरे वर्ड विनिंग्स जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले, आज हम इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। तो देखो, पहला वर्ड मेरा, फर्स्ट वर्ड आपके लिए आ रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट वर्ड है आपका प्लेजर। प्लेजर, तो देखो प्लेजर का मीनिंग क्या होता है। प्लेजर का मीनिंग होता है एक तरह से आनंद। प्लेजर का मीनिंग आनंद। आनंद, तो आनंद का मीनिंग एक तरह से हैप्पीनेस या खुशी। खुशी मतलब प्लेजर मिलता है आपको, ठीक है? इसके बाद में आपका जो अगला वर्ड है ना, वो है हॉलीडे। नेक्स्ट, हॉलीडे। देखो हॉलीडे का मीनिंग क्या होता है। तो देखो हॉलीडे का मीनिंग, जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो हॉलीडे का मीनिंग क्या होता है, छुट्टी। हॉलीडे का मीनिंग क्या होता है, छुट्टी होता है। तो छुट्टी का मतलब, जैसे स्कूल संडे को ऑफ होता है ना, तो संडे को छुट्टी होती है, किसी फेस्टिवल की छुट्टी होती है, तो इस तरह से हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब छुट्टी, प्लेजर का मीनिंग आनंद। नंबर थर्ड है आपका स्टोन। नंबर थर्ड है स्टॉल। तो स्टॉल का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से गश्त करना। गश्त करना, तो देखो स्ट्रॉल का मीनिंग गश्त करना होता है, ठीक है? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए एक तरह से स्नीपर। स्नीपर, तो नेक्स्ट वर्ड है स्नीपर, ठीक है? और स्नीपर का मीनिंग होता है एक तरह से निशानेबाज। निशानेबाज यानी कि एक वो व्यक्ति जो निशाना लगाता है ना, उसको निशानेबाज कहते हैं। तो मेरे ना चार वर्ड आ गए। नंबर एक प्लेजर, प्लेजर का मीनिंग आनंद। हॉलीडे मीन्स छुट्टी। स्टॉल मीन्स गश्त करना। और स्नाइपर मीन्स निशानेबाज। तो नेक्स्ट वर्ड है मेरा कन्वेलेसेंट। नेक्स्ट वर्ड है कन्वेलेसेंट, ठीक है? तो देखो कन्वेलेसेंट का मीनिंग क्या होता है। देखो कन्वेलेसेंट का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है एक तरह से ठीक होना, मतलब ठीक होना। किसका? हेल्थ का, स्वास्थ्य का ठीक होना। यानी कि सपोज कोई व्यक्ति मैंने बीमार हुआ, पर्सन कोई भी मतलब इल हो गया, और इल होने के बाद में वो व्यक्ति ठीक हो गया, धीरे 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 ठीक हो गया, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, कन्वेलेसेंट हुआ। और ये वाला जो एग्जाम में आया था ना, TGT वाले एग्जाम में आया था वर्ड, ठीक है? और TGT के साथ SSC में भी आया था, ठीक है? तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है आपका सिक्स वर्ड आपका इमेरिटस। नेक्स्ट वर्ड है इमेरिटस। तो देखो इमेरिटस का मीनिंग क्या होता है। अवकाश प्राप्त, अवकाश प्राप्त का मतलब वो व्यक्ति जो छुट्टी पे मतलब रिटायरमेंट हो जाता है, छुट्टी ले लेता है किसी भी काम से, तो वो व्यक्ति होता है अवकाश प्राप्त। तो इमेरिटस का मीनिंग अवकाश प्राप्त। नेक्स्ट सेवन वर्ड आपका बोहीमियन। बोहीमियन, तो देखो बोहीमियन का जो मीनिंग होगा, रूढ़ियुक्त।
बोहेमियन का मीनिंग होगा एक तरह से रूढ़ियुक्त। तो रूढ़ियुक्त का मतलब कौन सा, जो मतलब जो बातें जो चल रही हैं समाज में उनको ज्यादा फॉलो ना करें, मतलब किसी चीज को अपने खुद से सोच समझ करके डिसीजन ले, उसको बोलते हैं डिलिटेंट। डिलिटेंट डिलिटेंट का मीनिंग क्या होगा, एक तरह से डिलिटेंट का मीनिंग होगा शौकीन। ठीक है, तो डिलिटेंट का मीनिंग क्या होगा, एक तरह से शौकीन। शौकीन का मीनिंग नौसिखिया, नौसिखिया का मीनिंग जो बिल्कुल अभी अभी जिसने काम शुरू किया हो, एक तरह से अनाड़ी व्यक्ति हो। ठीक है, नेक्स्ट। देखो सॉल, सॉल का मीनिंग आत्मा, सॉल का मीनिंग आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एसिटिक, देखो एसेटिक का मीनिंग क्या होता है, तो एसेटिक का जो मीनिंग होता है ना वो होता है योगी या तपस। तपस मतलब योगी, तपस या एक तरह से मुनि। मुनि तो मुनि भी यू कैन से। नेक्स्ट वर्ड है पेसिफिस्ट, देखो पेसिफिस्ट का मीनिंग क्या होगा, पेसिफिस्ट का मीनिंग होगा एक तरह से शांति प्रिय। पेसिफिस्ट का मीनिंग शांति प्रिय या अमन पसंद। अमन पसंद या शांति प्रिय, ये वो व्यक्ति जो लड़ाई झगड़ा ना चाहता हो, शांति से रहना चाहता हो, है ना। नेक्स्ट, पैरानोइया, पैरानोइया का मीनिंग एक तरह से होता है मानसिक उन्माद। मानसिक उन्माद, और देखो मानसिक उन्माद क्या होता है, पैरानोइया क्या होता है, एक तरह से मानसिक उन्माद होता है। ठीक है, मानसिक मतलब थोड़ी मतलब उलझन, पजल मानसिक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट इडियोसिंक्रेसी, इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है, एक तरह से सनक। सनक या किसी चीज की लत लग जाना। ठीक है, सनक होना या किसी चीज की लत होना। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है आपका सोलेसिज्म। तो देखो सोलेसिज्म का जो मीनिंग होगा वो होगा एक तरह से असिस्टता। असिस्टता, असिस्टता मतलब चूक, चूक का मतलब गलती, गलती का मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब कोई परेशानी आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट सेंगुइन, सैंग्विन। तो देखो सैंग्विन का मीनिंग क्या होगा, सैंग्विन का मीनिंग होगा एक तरह से आशावादी। सैंग्विन का मीनिंग होगा आशावादी, इज राइट। ओके, नेक्स्ट।
सैक्रामेंट, देखो सैक्रामेंट का मीनिंग क्या होगा, सैक्रामेंट का मीनिंग होगा प्रतिज्ञा, तो सैक्रामेंट का मीनिंग होगा प्रतिज्ञा। नेक्स्ट सेंटेंशियस, सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस का मीनिंग होता है सूत्र में। किसी चीज को आप एक तरह से सूत्र में करना, यानी कि क्रम से करना। क्वेश्चन नंबर 18, इनक्लोज्ड, देखो इनक्लोज्ड का मीनिंग होता है एक तरह से इनक्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, खुला होना। खुला होना नेक्स्ट रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर आयताकार, आयताकार। एंड लास्ट वर्ड आपका आज का क्वाड्रेंगल, क्वाड्रेंगल मीन्स एक तरह से चौक। या आंगन, या आंगन। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो। देखो प्लेजर, प्लेजर का मीनिंग होगा आनंद। आनंद का मतलब इंटरेस्ट, रुचि की लेना। हॉलीडे का मीनिंग होगा छुट्टी, छुट्टी करना किसी चीज में ना। होली से बना है, देखो होली त्योहार भी होता है, हॉलीडे भी छुट्टी। स्टॉल, स्टॉल मीन्स गश्त करना। तो ये मेरे सारे वर्ड ना आपको एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आता है ना, चाहे वो सीपीओ, सीएचएसएल हो, या टेट हो, सीटेट हो, या इंग्लिश रिलेटेड कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है ना, कम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, उन सभी में मेरे ये वाले वर्ड वेरी हेल्पफुल हैं। सिर्फ एक वीडियो के अंदर है, आप इन वर्ड को एक लिस्ट बनाओ और उनको नोट करो और बार बार इनका रिवाइज करो। यू कैन सोल्व ऑल द क्वेश्चन ईजीली, ठीक है, और विदाउट हेजिटेशन यू कैन understand the meaning of these words, और these words are very helpful है। So stall means गश्त करना। Sniper, sniper मैं निशानेबाज, एक वो व्यक्ति जो निशाना लगाता है। Convalescent का मतलब ठीक होना, मतलब स्वस्थ है, जैसे तबीयत खराब है, ill है, disease है किसी कोई ना, तो दोबारा से ठीक हो जाना। Emeritus का मतलब अवकाश प्राप्त होना। Bohemian का मीनिंग रूढ़ियुक्त, और जबकि dilettante का मीनिंग शौकीन, शौकीन का मतलब immature है ना, fond भी हो जाएगा fond। सोल का मीनिंग आत्मा, और क्वाड्रेंगल का मीनिंग एक तरह से चौक, चौक का मतलब आंगन, या एक तरह से चौपाया जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एसेटिक का मीनिंग एक तरह से तपस या मुनि होता है, ठीक है। और पेसिफिस्ट का मीनिंग होता है अमन पसंद या शांति प्रिय होता है। पैरानोइया का मीनिंग क्या होता है, मानसिक उन्माद। मानसिक उन्माद का मतलब मानसिक उलझन होना। इडियोसिंक्रेसी का मीनिंग सनक, और सोलिसिज्म का मीनिंग अस्पष्टता,
जो शिष्ट ना हो, जो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, समझदार ना हो। सैंग्वेन का मीनिंग आशावादी, और सैक्रामेंट का मीनिंग प्रतिज्ञा, और सेंटेंशियस का मीनिंग क्या होता है, सूत्र में किसी चीज को लेकर के आना, और इनक्लोज का मतलब होता है खुला होना, और रेक्टेंगुलर का मीनिंग होता है आयताकार। मेरे ये वर्ड्स आपके लिए वेरी हेल्पफुल हैं, और मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आप इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपको मिलता हूँ आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।